हाय डॉक्टर मेघना, तो ये सवाल राहुल ने पूछा है रांची से। उन्हें उनका जॉब पसंद नहीं है, पर उन्हें पैसे की ज़रूरत है और उनका पैशन कुछ और है। उनका पूछना है कि इस समय वो अपने करियर को कैसे बदले। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए, और मैं कोशिश करूंगी आपके सवाल का पूरी तरह से जवाब दूं, बट उसके साथ साथ मैं आपको कुछ सवाल भी पूछूंगी। मेरी लाइफ में ये रहा ना राहुल कि मुझे जो कुछ मेरा जो पैशन था, जो मुझे कुछ करना था लाइफ में, वो मैं कर पाई, और ना सिर्फ पैशन फॉलो कर पाई जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है, जो लोगों की मुझे अच्छा लगता है जब मैं कोचिंग या ट्रेनिंग करती हूँ या मैं वर्कशॉप्स करती हूँ जहाँ पे लोग मैं देखती हूँ कि लोग अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं और उनको जो चाहिए वो फॉलो कर पा रहे हैं और जिस तरह से चाहिए उस तरह से कर पा रहे हैं। तो मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे राहुल जिन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है, और इसका मतलब यह है कि वो अपने पैशन से पैसे कमा पा रहे हैं। मेरा सवाल आपके लिए है राहुल कि आप अपने पैशन को एक बार वापस देख लीजिए कि आपके पैशन में क्या वो कैपेसिटी है, क्या वो पोटेंशियल है कि वो आपके बिल्स पे कर सके और आपको ऐसी ज़िंदगी दे सके जो आपको चाहिए। दूसरे शब्दों में, क्या मार्केट में आपके पैशन की ज़रूरत है? मतलब क्या बाहर लोग हैं जो आपके पैशन के लिए आपको पैसे दे सकते हैं? और जो चीज़ आपको पैसे दे रही है, आपका जॉब जो आपके बिल पे कर रही है, जो आपका एवरीडे का खर्चा उठा रही है, आप उस चीज़ को हेट कैसे कर सकते हैं? क्या एनर्जी आप लेके आपके जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आप काम करते हैं? क्या एनर्जी आप अपने काम में डाल रहे हैं? अगर आप हेटरेट दोगे, अगर आप गुस्सा दोगे अपने काम में, या अगर आप आपके काम की जगह पर जितने लोग हैं उनके ऊपर गुस्सा थोपेंगे अपने अंदर का, और या शायद आप बाहर से दिखा भी नहीं रहे हो लेकिन अंदर से अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे, लेकिन वो जॉब आपको पैसे पे कर रहा है कि आप अपना पैशन फॉलो करो, कि आप अपने बिल्स पे कर सको। अगर आप ये एनर्जी वहाँ पे लेकर जाएंगे तो आपको क्या लगता है आपको वापस क्या मिलेगा? ये जो पूरी दुनिया है ना, वो आपका मिरर है, आईना है। अगर आप हेट्रेड दोगे तो आपको हेट्रेड ही वापस आने वाला है। और आपका एम्प्लॉयर जो है या जिन्होंने आपको काम दिया हुआ है, वो आपसे हेट्रेड लेने के लिए आपको पैसे क्यों दे? कभी इस बारे में भी सोचिए कि अगर आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं या आप किसी को काम दे रहे हैं और वो इंसान को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत रोते धोते वो काम ख़त्म कर रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने पैशन के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? लाइफ में किसी की शुक्रगुजार होना या शुक्रमंद होना और ग्रैटिट्यूड में रहना, जो चीज़ आपके पास है या जो चीज़ आपको मिल रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना, अगर उस चीज़ को आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो आपको बहुत मात्रा में ग्रैटिट्यूड वापस आएगा। लोग शुक्रगुजार होंगे, लोग आपको बोल कर जाएंगे थैंक यू राहुल कि आपने मुझे ये दिया। अगर आप ग्रैटिट्यूड देंगे आपको ग्रैटिट्यूड मिलेगा, और ग्रैटिट्यूड जो है ना वो सबसे बड़ी की है आपके सक्सेस के लिए, आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए वो सबसे बड़ी चाबी है। मैं 3 बिजनेसेस रन करती हूँ और इन 3 बिजनेसेस ने मेरे पैशन को फंड किया है। सो आप भी अपने जॉब से, अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट का चेक बनाकर अपने पैशन अकाउंट में डालिए। इस पैशन अकाउंट में जैसे ही वो एक कॉर्पस या जैसे ही एक अमाउंट जमा हो जाएगा जो कि आपका 6 महीने और एक साल का खर्चा है, तो फिर आप सोचिए कि इस पैशन को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं और वो साथ साथ में आपके बिल को भी पे करेगा। तो आप ये दोनों चीज़ें बैलेंस करने के लिए आपका यही जॉब आपको जो सैलरी दे रहा है उसमें से कुछ फंड साइड में निकालिए, और जब आप उस जॉब पे जाएंगे जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आप ये देखेंगे कि यही सैलरी है जो मेरे पैशन को फंड कर रही है, आपका देखने का नज़रिया अपनी जॉब की तरफ बदल जाएगा। और चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ में एक्सीलेंस लाने की कोशिश कीजिए, अपना 100% दीजिए किसी भी चीज़ में, भले ही वो चीज़ आपकी पैशन हो या आपको ऐसी चीज़ हो जो बहुत मंडेन हो और आपको उसको करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक्सेलेंस की मतलब उसको अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ्य से, अच्छे तरीके से करने की जब आप कोशिश करेंगे ना, तो उसमें जो सुकून मिलता है, जो अंदर से अच्छा लगता है कि अरे मैंने अपना 100% दिया, उसकी बात ही कुछ और होती है।
और ये ना एक आदत की बात है, जब आप एक्सीलेंस ऐसी चीज़ों में डालेंगे जहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं है तो सोच लीजिए कि वो एक्सीलेंस कितना अच्छी तरह से आएगा जो चीज़ें आपको पसंद है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है। और कोई भी आप हो या दुनिया में कोई भी हो, कोई भी क्यों सब स्टैंडर्ड या थोड़ी सी घटिया चीज़ को ले आपसे या आप किसी और से लें, तो अपना 100% दीजिए आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें, और फिर देखिए आपकी लाइफ जो आपको चाहिए उस तरह से आपको देगी।